चलिए देखते हैं आज की करंट एनर्जीज। एंजल 11-11 आपने जस्ट अभी देखा है और देखते हैं डिवाइन का इंडिकेशन आपके लिए क्या है। थ्री कार्ड्स में ओपन करूंगी और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन। क्लेम ज़रूर करें रीडिंग्स को। पहला कार्ड जो आया है, वाओ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप। एक अपने ही अलग ख्याल में खोए हुए हो, अलग ही अपनी ज़िंदगी में खोए हुए हो। प्रपोजिंग का कार्ड आया है आज। कहीं ना कहीं से आपके पास एक बहुत अच्छा प्रपोजल आ सकता है। अगर लव रिलेशनशिप की भी बात करी जाए तो आई कैन जेन्युइनली से कि अच्छा प्रपोज आपके पास आ सकता है। कुछ लोग अच्छी ट्रैवलिंग का भी प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग किसी टूर पे, चाहे वो जॉब टूर हो, कहीं ना कहीं जाने का प्लान बन रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है आपकी रीडिंग्स को देख कर, आप चीज़ों को ना एक रियल पिक्चर में देख नहीं पा रहे हो। आप अपने ही जोन में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपने अपनी खुद की कैसी लाइफ बना ली है जहाँ पर आपने खुद की थिंकिंग घुसा दी है और आप वहाँ चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को बोल नहीं पा रहे हो, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, जो आज का आपके लिए एक सबसे बड़ा लेसन है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को नेगेटिव ना बनाएं, अपने आप की नेगेटिव थिंकिंग को थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश करो। देर आर पॉसिबिलिटीज दैट यू विल गेट अ वेरी गुड प्रपोजल और कहीं ना कहीं आपका ट्रैवलिंग लगने वाला है, तो उसके लिए ज़रूर रेडी रहिएगा। राधे राधे।